चिट्टू मुझे जल्दी बता तो वो यंत्र से मुन टिड्डियों की कैसे मजा ले सकता हूँ। ये नीलो सलूने भी क्लास में चले जाएंगे। बस आप एक काम करो, आप उधर जाके खड़ा हो जाओ। अरे बेवकूफ, अगर मैं उधर जाके खड़ा हुआ तो मैं मजा कैसे लूंगा। इस बार मैं करता हूँ, अगली बार आप खुद कर लेना। इस बार बस ये समझ लेना कि मैं मोंटू बास हूँ। अरे चिट्टू, तू मोंटू बास का तो एक्सरे का भी एक्सरे नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मोंटू बास की सारी हवा भी निकाल दो ना तो भी तू मोंटू बास जैसा नहीं बन सकता। चिट्टू अब बताइए कैसे होगा। इसे शरद मैं यानी मोंटू बास करेगा, लेकिन पिटाई आपका यानी नील का होगा। अभी आपको इसका डेमो दिखाता है। आप किधर ही खड़ा रहो, अब अभी आता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल। क्या बात है, आपका ये सफेद शर्ट तो बहुत चमक रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वो क्या है ना, एकदम नया है ना, इसलिए सफेद और चमकदार। लेकिन अगर मैं इन्हें अभी नीला कर दूं तो भी आप मुझे थैंक यू कहेगा? पागल हो गया क्या? क्या कर रहा तू? ए रुक रुक, अबे रुक, क्या कर रहा है ये? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। ऐसा तो मुझे किस तरह होगा, जल्दी से समा दिखाओ या तो बसम यंत्र। अरे तूने मेरी नई शक खराब की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे तू यहाँ तो मोंटू बॉस के पास खड़ा रहने को कहा था ना? ए, तो मैं मोंटू बॉस के बाजू में ही खड़ा था। मोंटू बॉस कहाँ है? अरे वो देख। सॉरी सॉरी सॉरी, आइंदा नहीं करना। भाग रोहित भाग। अरे क्यों भाग? माँ विनाशने की योजना भी कमाल। बल्लू को पता भी नहीं चलेगा और वो अपना सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र खुद पढ़े। लेकिन ऐसा हो उसके लिए मुझे शिक्षिका का रूप लेना पड़े। लेकिन शिक्षिका का रूप लेने से पहले मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि बल्लू की कक्षा में और कोई शिक्षक ना जा पाए, ताकि मैं अपनी योजना बड़ी आसानी से कर सकूं। हाँ, और इसमें मेरी मदद करेंगे मेरे निंद्रानु भग। जाओ मेरे भवरो जाओ, और इस विद्यालय के हर शिक्षक को हेरी नींद में सुला। सर स्कूल आ गया। बालपरी उठिए, बालपरी, बालपरी। बहुत देर हो गई रानी परी, और बालपरी अब तक सो रही है। लगता है बालपरी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। परियों आप सब चिंता मत कीजिए, हम अभी बालपरी को स्वस्थ करके जगा देते हैं।
रानी परी, आपके जादू से भी बाल परी का ना जगना इस बात का संकेत है कि बाल परी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं बल्कि किसी जादू की वजह से सोई हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बाल परी तो हमारे साथ ही थी और फिर अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। अगर ऐसी बात है परी तो हमें बाल परी की जांच करनी होगी। इन्हें तुरंत चिकित्सा कक्ष में लेकर जाया जाए। बाल परी की तबीयत क्यों खराब हुई है ये हमारे परिलोक की सुरक्षा के लिए जानना बेहद जरूरी है। पीरियड चालू हो गया लेकिन अब तक टीचर नहीं आई। हाँ ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मेरा जी खट्टा हो रहा है। गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ, गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? गुड मॉर्निंग। लेकिन आप कौन हो, नई टीचर? मैं शालिनी टीचर हूँ। बैठ जा। मैं आपकी विद्यालय में नहीं आई और आपको एक खास विषय पर पढ़ाने आई। खास विषय? कौन सा खास विषय? खास नहीं, बहुत खास, क्योंकि तुमसे तुम्हारा ही सुरक्षा कवच हटाने का मंत्र बुलवाना है। बताइए ना टीचर, कौन सा खास विषय? आप इसे बुद्धि परीक्षण का विषय कह सकते हैं। बुद्धि परीक्षण? बुद्धि परीक्षण? अच्छा हुआ मोंटू बॉस आज नहीं है, उन्हें जो चीज उनके पास है ही नहीं वो उसके बारे में कैसे बताते। अबे हंसता क्या, मेरे बॉस है। तो बच्चों, जो शब्द आप रोज कहते अगर उन शब्दों को अलग तरीके से कहा जाए तो फिर भी आप उन शब्दों को समझो? जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं कीपा आ ई कापिद्या हूं बच्चों, ये वो शब्द है जो अभी अभी मैंने आपसे कहा, क्या आप कह सकते हैं कि ये कौन से शब्द? नहीं समझे ना? जो अभी मैंने आपसे कहा कीपा इन कापिद्या हूं, अगर इसे मैं सही से कहूं तो मैंने आपसे कहा मैं आपकी नई अध्यापिका हूं मैं समझ गया था, इतना आसान सा सवाल था कि मुझे लगा कोई भी बोल देगा, इसलिए मैंने नहीं बोला। हाँ अच्छा, तो फिर ये कहो मूरा मान है रामे। तुम एक काम करो, तुम इस वाक्य के पहले शब्द को ही सही शब्द बताओ। इसमें क्या है, मूरा मतलब मारू, मारू क्या? मार मारू और पिटाई, इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं टीचर। और कौन बताएगा? टीचर मैं बताऊंगा, इसका मतलब है मान है मेरा उम्र। मान नहीं, 13 साल है तेरी उम्र। कोशिश करो। आ गया आ गया, आराम है काम मेरा। वैसे भी क्लास में तो तू सिर्फ आराम करने आता है, पढ़ाई तो तू फुटबॉल ग्राउंड में करता है। मजाक बहुत हो गया बल्लू, अब वार होगा क्योंकि मेरा अगला वाक्य तुम्हारा सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र होगा बल्लू, जिसे तुम खुद बोलोगे।
ये जादुई तरंगे बाल परी के पूरे शरीर का निरीक्षण करेंगी और फिर हमें पता चल जाएगा कि आखिर बाल परी के साथ हुआ क्या था। ये रोशनी का क्या अर्थ है रानी परी? गाल परी, इस रोशनी का अर्थ ये है कि बाल परी की ये तबियत किसी जादुई शक्ति की वजह से खराब हुई है और इसी भाग पर उस जादुई शक्ति ने वार किया था। लेकिन रानी परी, ऐसा जादू जिससे बाल परी सो जाए, ऐसा कौन कर सकता है? परियों, आप चिंता मत कीजिए, इस बात का हम अभी पता लगाते हैं। तो निंद्रालु भवरा है, पर ये आए कैसे? इसका प्रवेश तो परिलोक में मना है। लेकिन लाया कौन उसे यहाँ? और उसने बालपरी को क्यों काटा? परियों, इस सवाल का जवाब तो स्वयं बालपरी ही दे सकती है जब वो इस नींद से उठ जाएगी। रानी परी ने भवरे का जादू तोड़ दिया है, बाल परी को होश आ गया है। अब रानी परी को बाल परी से सच पता चल जाएगा। शातिर परी के पास ज्यादा समय नहीं है, इससे पहले कि परियां बल्लू तक पहुंचे, शातिर परी को बल्लू का सुरक्षा कवच तोड़कर उस पर वार करना होगा। तुम बता, तुम काफी समझदार लगते हो मुझे और तुमने एक बार भी जवाब देने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? ऐसा नहीं है टीचर। ऐसा नहीं है तो पढ़ो ना, पढ़ो जो मैंने लिखा। टीचर, शायद मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, पर मुझे लगता है तुम पढ़ पाओगे। तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी समझदार हो। खास बात है, तुम कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। ये वाक्य तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा बल्लू, क्योंकि ये वाक्य नहीं बल्कि वो मंत्र है जिससे पढ़कर तुम्हारा सुरक्षा कवच फटे और फिर तुम्हारा अंत होगा बल्लू। बालपरी, आप ठीक तो है ना? आखिर आपको हुआ क्या था? पता नहीं रानी परी, अचानक से हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई और इसलिए हम हमारे कक्ष में आकर सो गए थे। नहीं बालपरी, आप सोए नहीं थे, हमने आपकी कक्ष में आकर कहा आपसे आराम करने के लिए। क्या? हाँ बालपरी, आप तो बाहर भी जा रही थी। क्या? हम तो आप दोनों से मिले ही नहीं हैं, हम तो यहाँ सो रहे थे। बालपरी, आप ये क्या कह रही हैं? आप तो हमसे भी मिली थी और आपने बालवीर पर शातिर परी द्वारा किए गए वार पर चिंता भी जताई थी। क्या बालवीर पर वार हुआ था? बालवीर ठीक तो है ना? हाँ बालपरी, बालवीर बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा बालपरी कि आप सो कैसे गई। आप तो हमसे मिली थी और हमने आपसे स्वयं कहा था कि बालवीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने बालवीर पर सुरक्षा कवच लगा रखा है
और वो सुरक्षा कवच तब तक नहीं उतरेगा जब तक बालवीर खुद मंत्र को नहीं पढ़ेंगे। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं रानी परी, ना हम आपसे मिले और ना ही आपने हमसे ऐसा कुछ भी कहा। तो फिर वो कौन था जो बालपरी का रूप लेकर आपसे मिली रानी परी? कोई बहुत बड़ी चाल चली गई है रानी परी, जिसके लिए बालपरी को बेहोश किया गया ताकि कोई बालपरी का रूप लेके आपसे मिल सके रानी परी और ये जान सके कि बालवीर के ऊपर का कवच कैसे हटाया जा सकता है। क्योंकि बालवीर के सुरक्षा कवच को तोड़ा नहीं जा सकता बल्कि सिर्फ हटाया जा सकता है और उस सुरक्षा कवच को हटाने का मंत्र सिर्फ हमारे पास है। मंत्र? कैसा मंत्र है रानी परी? इस्याम सभाम सुरभाम कवचम मंत्रम। परियों, हमें लग रहा है कि बालवीर पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए हमें बालवीर को सावधान करना होगा, उन्हें सबके बारे में बताना होगा। डरी परी, गाल परी, आप दोनों पृथ्वी लोक जाइए और जाकर बालवीर को ढूंढिए और उन्हें उस मंत्र को पढ़ने से रोकिए। जल्दी कीजिए परी, जल्दी कीजिए। जी रानी परी। बाल परी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या सोच रही हो बल्लू? बल्लू, बिना कोशिश किए हार मान लोगे? अरे मुझे नहीं पता था कि इस कक्षा के बच्चों का दिमाग इतना कमजोर है कि वो एक वाक्य भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे। टीचर, ऐसा नहीं है। मैं अभी इसका सही जवाब देता हूँ और इसे सीधा बोलकर भी दिखाता हूँ। शाबाश बल्लू, पढ़ो पढ़ो अपना सुरक्षा कवच हटाने का मंत्र। भा सु र भा म क व च। बिल्कुल सही समझा है तुमने मंत्र को बल्लू। बस अब इसे जल्दी से बोल दो ताकि तुम्हारा सुरक्षा कवच हट जाए। जितनी जल्दी हो सके हमें बल्लू के पास पहुंचना चाहिए। हाँ डरी परी, बल्लू इस समय अपने विद्यालय में होंगे, हमें वहीं चलना चाहिए और उन्हें जाकर शादी की चाल के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो सावधान हो जाए। हमें बहुत डर लग रहा है गाल परी, अगर बल्लू ने सुरक्षा कवच हटाने वाला मंत्र बोल दिया तो वो बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं डरी परी, अब घबराइए मत, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मंत्र म। जल्दी करो शातिर परे, जल्दी मंत्र बुलवाओ बल्लू से, इससे पहले कि गाल परी और डरी परी वहां पहुंचे और बल्लू को यह मंत्र पढ़ने से रोक ले। Thank you.
इसियाम सभाम सुरभाव, इसियाम सभाम सुरभाव, इसियाम सभाम सुरभाव। कवचम मंत्र, कवचम मंत्र। बिल्कुल सही पढ़ा तुमने, शाबाश। ये तालियों की गूंज तुम्हारी नहीं, हमारी बुराई की जीत की है बल्लू, क्योंकि जल्द ही तुम हमारी कैद में हो, और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि परियों के अंत का भी कारण बनोगे। यहाँ तो कहीं नहीं है बल्लू, चलिए गालपन आगे देखते हैं। वाह बल्लू, आज तो तूने कमाल ही कर दिया था। हाँ, तूने तो खट्टे को मीठा कर दिया। बल्लू चल। हाँ। नहीं सरोनी, तुम दोनों घर जाओ, मैं चाचा के यहाँ होके आता हूँ। और हाँ, मम्मी अब्बा को भी बता देना कि मैं चाचा के वहाँ गया हूँ, वरना वो लोग चिंता करेंगे। ठीक है, बाय बाय। सरो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी कक्षा में मुझे जो महसूस हुआ वो कोई साधारण बात नहीं थी। मुझे इस विषय में रानी परी से बात करने के लिए जाना चाहिए। बल्लू, ये किताबें जरा आप स्टाफ रूम में रख दोगे, मुझे कुछ काम है। ठीक है टीचर। मरांग करने के लिए तो मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा ना। कालपरी, कक्षा में भी कोई नहीं है, हमें तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कहीं शातिर परी ने बल्लू पर वार ना कर दिया। नहीं नहीं डरी परी, अब डरिए मत, विद्यालय का समय समाप्त हो गया होगा, इसलिए इसलिए बच्चे कक्षा से बाहर चले गए होंगे। चलिए हम दूसरी जगह जाकर ढूंढते हैं। चलिए जी। शातिर परी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी बेवकूफ हो। तुमने पहले भी मुझ पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, मेरे सुरक्षा कवच के होते हुए तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। सही कहा तुमने, नहीं छू सकती मैं तुम्हें, लेकिन अगर तुम्हारा सुरक्षा कवच हट जाए तो फिर तो मैं तुम्हें छू तो क्या, तुम्हारा अंत भी कर सकती। सपने अच्छे देखती हो तुम शातिर परी, लेकिन अफसोस तुम मेरा सुरक्षा कवच कभी नहीं हटा पाओगी। सही कहा तुमने, नहीं हटा सकती मैं तुम्हारा सुरक्षा कवच, क्योंकि वो तो तुमने खुद ही हटा दिया, वो मंत्र बोलकर, याद आए, जिस मंत्र को खुद मैंने अपने हाथों से लिखा था उल्टा, और तुमने पढ़ लिया सीधा, याद है। सब झूठ है, तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी शातिर परी, मैं तुम्हारे धोखे में नहीं फंसने वाला। मेरी चाल तो कामयाब हो चुकी है बालवीर। इस वार का मुझे लगने का मतलब है कि मेरा सुरक्षा कवच सचमुच हट चुका है,
मैं बिना सुरक्षा कवच के बल्लू के रूप में इससे नहीं लड़ पाऊंगा। मुझे इससे बचने के लिए बालवीर बनना ही पड़ेगा। क्या सोच रहे हो बल्लू? बालवीर, कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि बिना सुरक्षा कवच के मेरा मुकाबला कैसे करो? हाँ बालवीर, तुम्हारे हर वार का जवाब देगा शातिर परी। अब शातिर के हर वार से बचना नामुमकिन है बालवीर, क्योंकि हर वक्त में बचाने वाला सुरक्षा कवच हट चुका है। बचोगी तो तुम नहीं मेरे वार से शातिर परी। क्या करे गालपरी, हमने सब जगह देख लिया मगर बल्लू कहीं भी नहीं है। हिम्मत मत हारिए डरी परी, हमें लगता है कि बल्लू यहीं कहीं आसपास में ही है और वो जल्द ही हमें मिल जाएंगे। लेकिन गालपरी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। शातिर परी बल्लू पे वार करे इससे पहले हमें उसे ढूंढना ही होगा। हाँ डरी परी, चलिए चलिए। तुम्हारा और परियों का अंत बालवीर, अब शुरू होगी बुराई की अच्छाई पे जीत। और एक बार महाविनाशनी के महाविनाश से तुम्हें और परियों को कोई बचा नहीं पाएगा बालवीर, कोई नहीं। काल परी, बल्लू तो यहाँ पे भी नहीं है। नहीं डरी परी, हमें हमें महसूस हो रहा है कि बल्लू यहीं था, शायद हमें आने में देर हो गई, बल्लू कहीं और चला गया। रोहित, उस चिट्टू के यंत्र के वजह से ना मेरी बहुत पिटाई हुई है। हाँ मोंटू बस आने दो उसको, साथ में उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बॉस, वो देखो चिट्टू। चल चल इसकी हवा टाइट करते हैं। सॉरी मंटू बॉस, मैंने जानबूझकर आपका पिटाई नहीं करवाया। अरे पिटाई से प्रॉब्लम नहीं है मंटू बॉस को, वो तो रोज होती रहती है। क्यों मंटू बॉस? मेरे कहने का मतलब ये था कि नील के वजह से जो पिटाई हुई ना उससे प्रॉब्लम है मोंटू बॉस को। हाँ रोहित, हाँ जा तू उधर, इसकी बैंड ही बजाते। अरे वाह मोंटू बॉस, फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल तो खेलूंगा पर तू नहीं खेलेगा हमारे साथ, मैं तुझे ये फुटबॉल मारूंगा, इतनी जोर से मारूंगा कि तेरा होश उड़ जाएगा। करूं क्या मैं बच्चों में से इस फुटबॉल से? मिल क्या उपाय?
ये गिलविल कौन है महाविनाश ने? और आप इसे क्यों बुला रही हैं? गिलविल पर्वत का मालिक गिलविल। बुरी ही सही, लेकिन हम हैं तो परियां, तो बाकी अच्छी परियों की तरह हम भी इस पर्वत पर नहीं जा सकते। तो फिर हम बालवीर की शक्तियों को कैसे छीनेंगे? इसीलिए तो गिलविल को बुला रही, ताकि वो यहाँ आकर बालवीर को उस पर्वत पर ले जाए और उससे सारी शक्तियां छीनने का कार्य पूरा करे। गिलविल, जाती है हिल। मैं हूं वो गिलविल कहता है बुराई की जय हो। बुराई की रानी महाविनाशिनी की भी जय हो। लोमड़ी जैसी चलाक शातिर परी की भी जय हो। बुराई के साथ ही गिलविल की भी जय। कहिए माँ विनाशिनी, क्या आदेश है? बस एक छोटा सा काम करना है। मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी राह में अंत कर ही दिया बुराई के सबसे बड़े दुश्मन का। बुराई चैन की सांस ले सकेगी। मुबारक हो। ऐसा ही होगा गिलविल, पर थोड़ा समय लगेगा। अभी बालवीर सिर्फ बेहोश। तो कर क्यों नहीं देती अच्छाई और सच्चाई के सबसे बड़े महारथी का अंत? या फिर मुझे आदेश दीजिए, मैं इसे समाप्त कर देता हूँ अपनी जादुई कटार से। नहीं गिलविल, बालवीर का अंत मैं करूं। महाविनाश, तुम बालवीर को उस पर्वत पर ले जाकर उसकी परियों की दी हुई सारी शक्तियां उससे खींचो। पर ऐसा क्यों, कर क्यों नहीं देती सीधा समाप्ति से? क्योंकि जैसे जैसे तुम बालवीर के अंदर की एक एक परी की शक्ति को खींचोगे, वैसे वैसे उस शक्ति से जुड़ी एक एक परी और आखिर में रानी परी भी हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए, और उसके बाद तुम बालवीर को मेरे पास ले आओगे बिना शक्ति के। फिर मैं बालवीर का अंत करूंगी। वाह, वाह,
इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। अब मुझे आज्ञा दीजिए, इस बुराई के शुभ कार्य में मैं देर नहीं करना चाहता। जय हो महाविनाशिनी, आपकी जय हो। अलविदा बालवीर, अलविदा। बालवीर का अंत मैं करूं, महाविनाशिनी तुम बालवीर को उस पर्वत पर ले जाकर उसकी परियों की दी हुई सारी शक्तियां उससे खींच लो। जैसे जैसे तुम बालवीर के अंदर की एक एक परी की शक्ति को खींचोगे, वैसे वैसे उस शक्ति से जुड़ी एक एक परी और आखिर में रानी परी भी हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाए। परियों, बालवीर को महाविनाशनी की चाल के बारे में पता चला? नहीं रानी परी, हमने बालवीर को पूरे पृथ्वी लोक में देख लिया मगर वो हमें कहीं नहीं मिले। क्या रानी परी, हम बल्लू के विद्यालय भी गए थे, उनके दोस्तों से पूछताछ भी की कि कहीं बालवीर उनसे मिलने तो नहीं गए, लेकिन उनका उत्तर भी ना ही था। लेकिन रानी परी, नील और सलोनी ने हमें बताया कि बल्लू ने उन्हें बताया था कि वो चाचा से मिलने गए हैं। चाचा के घर जाने का बहाना तो बालवीर तब बनाता है जब उसे परीलोक आना होता है या फिर कोई जरूरी काम हो। लेकिन बल्लू बालवीर बनकर परीलोक भी तो नहीं आए, आखिर गए कहाँ वो? परियों, कहीं सचमुच बालवीर किसी बहुत बड़े खतरे में तो नहीं फंस गए? और कहीं महाविनाशनी ने बल्लू का सुरक्षा कवच हटाकर बल्लू पर वार तो नहीं कर दिया? ये परीलोक का सुरक्षा भूपू क्यों बज रहा है? विनाशनी यहाँ? महाविनाशनी तुम? खबरदार अगर मुझ पर वार किया तो, वरना तुम लोगों को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा प्यारा बालवीर कहाँ है। तो तुम जानती हो महाविनाशनी कि बालवीर कहाँ है? बताओ हमें। अच्छी तरह से जानती हूँ, मैंने ही तो भेजा है उसे वहां पर, बस थोड़ा वार करना पड़ा और थोड़ा घायल करना पड़ा ताकि वो अपने होश खो बैठे। महाविनाशनी, तुमने हमारे बालवीर पर वार किया, हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। दोबारा अगर वार किया तो अगला निशाना तुम होंगे बालपरी। महाविनाशनी, शातिर परी, अब वार तो तुम दोनों पर होंगे। तुमने छल से बालवीर पर वार किया है और इसकी सजा हम तुम्हें अवश्य देंगे। तुम शायद भूल रही हो रानी पर, ये छल, झूठ, माया, विनाश, ये सब बुराई के खास हथियार हैं। महाविनाशनी, हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने बालवीर को कहाँ छिपा कर रखा है। तुम्हारा प्यारा बालवीर गिलबिल पर्वत पर कैद है। गिलबिल पर्वत पर? पर्वत? चौक गए? गिलबिल पर्वत का नाम सुनकर हाँ? या घबरा गई कि अब कैसे बचा पाएंगे बालवीर को? हाँ? इसीलिए तो मैंने बालवीर को गिलबिल पर्वत पर भेजा है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वहां कोई भी परी प्रवेश नहीं कर सकती, बालवीर की मदद नहीं कर सकती। और वैसे भी बालवीर को किसी की मदद की जरूरत नहीं,
क्योंकि बहुत जल्द बालवीर का और तुम सबका महाविनाशिनी अंत करेगी। अब देख मैं तेरी हालत कैसे खराब करता हूँ। इस बार छोड़ दो, गलती हो गया, इस बार छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ, छोड़ दो। ओके। तू आप मेरा हाथी बन जाने। हाथी बोलता है तू मेरे को? हाँ। अबे चिट्टू, तूने मुझे हाथी बुला ना, अब देख ये हाथी उसके पैर से तुझे कैसे मसलता है। मेरी साइकिल का और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो कैसे आया मैं? बता। अंकल, आपकी साइकिल वो चिट्टू के पास, वो देखो। मैं तो क्या नहीं बताया? भलाई का तो सामान है नहीं रहा। उस चिट्टू के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मैं। गया हाथ में। ए रोहित, इसके हाथ से पहले अतलम बदलम यंत्र निकाल वरना ये वापस भाग जाएगा। देख, निकाल तू। है भी मोंटू गुस्से में, उससे दूर रहना ही है अच्छा। वैसे भी विनाश लोग गए हुए हो गया काफी समय, वहां जाना चाहिए मुझे। भाग गया, कोई बात नहीं, चल चल कर उन पिद्दियों की बैंड बजाते हैं। महाविनाशनी, हम तुम पर विश्वास क्यों करें? हो सकता है तुम अब भी हमारे साथ छल कर रही हो। छल का समय पूरा हुआ रानी परी, अब तो समय आया है मेरी जीत का और तुम्हारी हार का। महाविनाशनी, तुम्हारी बुराई की जीत कभी नहीं होगी। बालवीर वापस आएगा और तुम्हें जीतने नहीं देगा। बेवकूफ परियों, मेरी जीत का समय शुरू हो चुका है। गिलबिल पर्वत पर बालवीर हार कर पड़ा हुआ होगा। देखना चाहती हो अपनी हार को? बुराई और आपका सेवक किल बिल आपको प्रणाम करता है महाविनाशनी। ये सच्चाई की मूर्ति अच्छी और सच्ची परियों के चेहरों का रंग क्यों उड़ रहा है मुझे देखकर? मैं वही हूँ अच्छाई जिसे देखकर चाहती है हिल तुम्हारा प्यारा दुश्मन किल बिल। बड़ा मजा आ रहा है इन परियों को इस तरह घबराते हुए देखकर। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है महाविनाशनी, बहुत मजा आ रहा है। हमारा कार्य शुरू कर दिया है ना गिलबिल? बुराई की महारानी,
अच्छाई को तड़पने का आदेश दे और गिलबिल उसे पूरा ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? परियो, तुम ज्यादा परेशान मत हो जा, बड़े आराम से तड़प रहा है तुम्हारा बालवीर। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे होते हुए राय कभी नहीं जीत सकती। गिलबिल, हमारी बात को ध्यान से सुन लो। अगर तुमने बालवीर को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। अच्छा तो आ जाओ गिलबिल पर्वत पे और बचा लो अपने बालवीर को। पर अफसोस, गिलबिल पर्वत पे कोई भी परिया पहुंच ही नहीं सकती, तो कैसे बचेगा बालवीर, कैसे? महाविनाशी शातिर परी, अगर तुमने बालवीर को कुछ किया तो हम तुम दोनों के प्राण ले लेंगे। महाविनाशी, ये तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। तुम दोनों यहाँ से कभी बचकर नहीं जा पाओगे, कभी नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे प्राणों की नहीं, अपने प्राणों की रक्षा करो परी, क्योंकि वो क्या है ना, बालवीर का अंत करने से पहले गिलबिल उसके अंदर की उस सारी शक्तियों का अंत करेगा जो तुम लोगों ने उसे दी। हर परी की शक्ति इसमें से खींचते उससे जुड़ी परी भी हमेशा के लिए सो जाए। महाविनाश ने, हमसे पहले तो तुम्हारा अंत करेंगे हम। सपने देखना छोड़ दो रानी परी। बुराई को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। चलो शातिर परी। दिखता क्या है रे? चल। रोहित, वो देख नए पिद्दी आ गए। अब पता है क्या होगा? आपकी बैंड बजेगी। नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चित्रंजन दास नहीं है ना, तो यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। विद्यो, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। सलोनी, आजादी ने बहुत अच्छा टिफिन बना के भेजा है, मजा आ जाएगा खाके। मोंटू बॉस, आप हर बार यही कहते हो, लेकिन आखिर में आपकी की बैंड बचती है। नहीं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का वार हमेशा मोंटू पे उल्टा पड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, अब देख मैं इन पिद्दियों की कैसी बैंड बजाता हूँ। नी, मैंने तुझे लाइब्रेरी से बुक लाने बोला था, तू वो बुक लाया? अरे ले आएंगे ना, थोड़ा थोड़ा मन मीठा हो रहा है, पहले खा ले। नील, टीचर हमें डांटेगी, लेकर आना बुक। अरे लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तुझे टिफिन खाने नहीं दूंगी, जाके लेकर आना वरना रिजल्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। रोहित, अब मैं खाऊंगा। मार। नहीं बेवकूफ, नील का टिफिन मैं भाऊंगा और सलोनी यहाँ। अरे मैं तो वहाँ पे कराटे प्रैक्टिस कर रहा था, फिर यहाँ कैसे आ गया?
गई बात मोंटू बॉस की। तो देखो बच्चों, ये है मॉडल जिसपे आप सभी अपने कराटे की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सर मैं हाँ, हाँ, हमें पता है आपको बच्चों की ट्रेनिंग के लिए भेजा है ना। हमने ऐसा ही हट्टा खट्टा और तगड़ा मॉडल बुलवाया। वेरी गुड। तो बच्चों पूरी जी जान लगाकर अपने किक्स और पंचेस की प्रैक्टिस करना। पहले मैं आपको एक डेमो देता हूँ, ध्यान से देखो। Got it? Come on, one by one. अब सारे एक साथ अटैक करेंगे। अरे लग गई वाट वाट बॉस की बॉस। अंदर की सारी जादुई शक्तियां खींचेगा और वो देखो छोटे छोटे आईने जिसमें जिस जिस परी की शक्ति खींचती चली जाएगी उस परी की तस्वीर आती जाएगी और वो परी हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी। इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी तुम्हें गिलबिल। तुम्हें शक्तिहीन करके इन आईनों में तुम्हारी और तुम्हारे बुरे साथियों की तस्वीर लगाऊंगा मैं। या? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतने बिजली के तेज वार करने के बाद भी अभी भी होश बाकी है। गिलबिल, बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाओ फिर मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से निकल सकते हो? मेरे अंत के बारे में नहीं बल्कि अपने अंत के बारे में सोचो बालवीर। ना तो तुम यहाँ से निकल सकते हो ना कोई भी परी यहाँ गिलबिल पर्वत पे तुम्हें बचाने के लिए आएगी। इसीलिए दर्द में भी लगते हुए अपनी शक्तियां खींचती हुए और परियों को अंतिम नींद में जाते हुए देखो। नहीं गिलबिल, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। अच्छा तो रोक लो अगर रोक सकते हो तो। तुम्हारे अंदर से तुम्हारी शक्तियां खींचने की प्रक्रिया बालवीर अब हर पल के साथ तुम और परिया अपने अंत की ओर बढ़ रहे हो। Ah!
हर समस्या का कोई ना कोई उपाय होता है, तो इसका भी। विचार परी इस शतरंज के खेल का पहला मोरा गिरा दिया है तुम्हारा रानी परी। अब मेरी जीत का समय शुरू हुआ। सही कहा मां विनाश, इस बार हमारी जीत पक्की है। ये परियां नहीं पहुंचेगी बालवीर के पास उसे बचाने के लिए। बड़े बोल और बेसुरे ढोल नहीं लगते कभी अच्छे महाविनाश नहीं। हो गई आप दोनों तो शुरू, जबकि हुआ नहीं अभी तक तो शुरू बुराई का खेल ठीक सी। तौबा तौबा, ये खेल महाविनाशिनी की जीत से शुरू हुआ था, खत्म भी महाविनाशिनी की जीत पर ही होगा। अच्छा चलो है देखते, हो आप भी यहाँ और हूँ मैं भी यहाँ। रानी परी, हमारे पास नहीं तो किसी और के पास तो कोई उपाय होगा। हाँ रानी परी, ऐसा कोई तो होगा जो बालवीर की मदद कर सके उसे बचाने के लिए, वरना एक एक करके हम सब और बालवीर गहरी नींद में चले जाएंगे। सोचिए रानी परी, अगर बालवीर नहीं रहेगा तो कौन करेगा बच्चों की रक्षा? उसे पुकारेंगे बच्चे अपना सबसे प्यारा दोस्त, कौन करेगा बच्चों की रक्षा? बच्चों की मदद, बच्चों की मदद, ये हमने पहले क्यों नहीं सोचा? परियों, बालवीर को बचाने का उपाय हमें मिल गया है। क्या उपाय रानी परी, बताइए कौन पहुंचेगा बालवीर के पास? बच्चे। बच्चे? हम परियां गिलबिल पर्वत पर नहीं जा सकती, लेकिन वहां बच्चे तो जा सकते हैं। पृथ्वीवासियों को वहां जाने की मनाही नहीं है, और इसीलिए बालवीर के सबसे अच्छे मित्र मानव और मेहर वहां जाएंगे। मानव मेहर? की मदद की जरूरत है, और इसीलिए हमें परिलोक से यहाँ दिल्ली में आना पड़ा। हमारी मदद? बताइए रानी परी, हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं? आप सिर्फ हमारी नहीं बल्कि बालवीर की भी मदद कर सकते हैं। हम बालवीर की मदद? हाँ बच्चों, बालवीर एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, और इससे पूरा परिलोक भी बहुत बड़े संकट में आ गया है। बच्चों, और अगर आप हमारी मदद करेंगे तो पूरा परिलोक बच सकता है। क्या वो बालवीर को रानी परी, हमारा बालवीर ठीक तो है ना? बच्चों, इस बार महाविनाशिनी ने शातिर परी के साथ मिलकर बहुत ही गहरी चाल चली है। उसने बहुत ही चालाकी से बालवीर को गिलबिल पर्वत पर कैद कर लिया। गिलबिल पर्वत पे कोई भी परिया पहुंच ही नहीं सकती, तो कैसे बचेगा बालवीर? रानी परी, हम महाविनाशिनी को सबक जरूर सिखाएंगे। हाँ रानी परी, हम बालवीर की अपने दोस्त की मदद करने के लिए जरूर जाएंगे। बच्चों, जोश में नहीं होश में निर्णय लीजिए, क्योंकि गिलबिल पर्वत एक बहुत ही खतरनाक जगह है,
और हम में से कोई भी परियां वहां आपकी मदद करने नहीं पहुंच सकती बच्चों। भटका थी परी, हमें हमारी परवाह नहीं है। बालवीर ने हमेशा दोस्ती निभाई है और हमें बचाया है। अब हमारी बारी है दोस्ती निभाने की। हम जरूर जाएंगे गिलबिल पर्वत। बच्चों, फिर भी एक बार सोच लीजिए, अगर आप लोग हमारी मदद नहीं भी कर पाए तो भी आप हमारे उतने ही प्रिय रहेंगे। इस वक्त हमें अपने नहीं बल्कि हर उस बच्चे के बारे में सोचना है जिसकी मदद बालवीर करता है, जिन्हें वो हमेशा खुशियां देता है। और ये हमारा वादा है आपसे कि हम बालवीर के साथ सुरक्षित ही लौटेंगे। शाबाश बच्चों, शाबाश। आपके इस आत्मविश्वास को देखकर सच में हमें बहुत ही खुशी हो रही है। बच्चों, आप उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन आपके इरादे और आपका हौसला बहुत बड़ा है। मानव, मेहर, हमें आप दोनों पर पूरा विश्वास है कि आप बुराई पर विजय प्राप्त करके ही वापस लौटेंगे और अपने परम मित्र मालवीर को हमारे पास लेकर आएंगे। मानव, मेहर, वो देखिए, वही है गिलबिल पर्वत। मतलब बालवीर से अटकाती परी की शक्तियां भी छिन गई हैं। आर पार परी, आप तुरंत अटकाती परी को लेकर परीलोक जाइए और वहां जाकर इनका ख्याल रखिए। जी रानी परी। मानव, मेहर, बहुत ही तेजी से बालवीर से उनकी सभी शक्तियां छिन रही हैं और इसीलिए आपके पास समय बहुत ही कम है। आप दोनों को कुछ भी करके बालवीर से उन सभी परियों की शक्तियों को छीनने से पहले उन्हें बचाना होगा। लेकिन रानी परी, हम गिलबिल पर्वत तक पहुंचेंगे कैसे? हाँ, क्योंकि यहाँ से गिलबिल पर्वत तो बहुत दूर है और बीच में इतनी बड़ी खाई भी है। और रानी परी, हम परियों की दी हुई शक्ति भी कोई वहाँ पे काम नहीं करेगी, इसलिए हम बच्चों को हमारी शक्तियाँ भी नहीं दे सकते। जी भटकाती परी, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए मेहर, मानव, हम आप दोनों को हमारे जादुई पंख नहीं देंगे बल्कि हम आप दोनों को हमारे चिन्ह सफेद हंस के पंख देंगे। सफेद? जैसे ही आप इस लाल चिन्ह को दबाएंगे आपके पंख खुल जाएंगे। मानव, मेहर, अब से इस परीक्षा को आप दोनों को अकेले ही पूरा करना होगा और हमें आप दोनों पर पूरा विश्वास है कि आप दोनों विजयी होकर ही वापस लौटेंगे। हाँ रानी परी, हम अपने दोस्त बालवीर को कुछ भी नहीं होने देंगे।
ला हो गई आपकी तो सारी योजना बेकार है बेजरी रानी परी मानो मेहर को बालवीर को बचाने के लिए अभी भेजने दो क्योंकि इस बार मानव मेहर कुछ नहीं कर पाएंगे ओ बेकार परी शातिर परी भूल गई कि चटाई थी कैसे उन्होंने महाविनाशनी के महाशक्तिशाली और खतरनाक सेनापतियों को धूल उस वक्त उनके साथ बालवीर था उसकी शक्तियां थी इस बार उनके साथ कोई नहीं है और इस बार रानी परी की दी हुई कोई भी जादुई शक्ति नहीं है मानव महर के पास बिना जादुई शक्तियों के अगर बच्चों ने गिलबिल पर्वत को पार करने की कोशिश की तो गिलबिल पर्वत की आग में समा जाएंगे रोहित बच्चों ने कराटे की प्रैक्टिस कर करके मेरी हालत खराब कर दी है बहुत दर्द हो रहा है आपका तो दिल ही खराब है हाँ दिल ये ले बुक्स अब तो मैं टिफिन खा सकता हूँ ना हाँ खा ले हाँ दिन तो आज इन विद्यों का खराब होने वाला है शुरुआत इनके टिफिन से होगी सारा पानी खत्म कर दिया जा पानी लेके आ अरे इतना सा काम भी तो खुद नहीं कर सकता बस मैं सलोनी अब देख तेरे लिए मैं यहाँ से लाइब्रेरी फिर लाइब्रेरी से यहाँ कितना दौड़ा थक गया हूँ ना प्लीज लेके आना नौटंकी कहीं का वाह क्या बढ़िया मौका है टिफिन छीनने का ये नील तो अकेला है अरे मैं यहाँ कैसे आ गया मेरे सर पे कद्दू कहाँ से आ गया स्टूडेंट्स आज आप सबको अपने निशाने की प्रैक्टिस करनी है ठीक है निशाना सीधे कद्दू पर लगना चाहिए ओके कौन सा कद्दू सर नीचे वाला कि ऊपर वाला साइलेंस साइलेंस निशाना सीधे कद्दू पर लगना चाहिए नहीं तो दोबारा लगाना पड़ेगा ओके अरे सर अगर निशाना गलत लग गया ना तो दोबारा निशाना लगाने के लिए मैं कहाँ रहूंगा सर सर जाने दीजिए ना मुझे जाता हूँ मैं डोंट मूव अपनी जगह पे खड़े रहो नहीं तो तीर तुम्हें लग जाएगा ओके यू आर रेडी यस सर ये वेरी गुड अभी तो आपका निशाना लग गया ना अब मैं जाता हूँ नो अपनी जगह पे खड़े रहो हिलना मत नहीं तो तीर लग जाएगा तुम्हें सो स्टूडेंट्स कद्दू के बाद अब निशाना इस खरबूज पर लगाना है पकड़ो इसे अरे सर ये खरबूज तो कद्दू से छोटा है अरे हाँ तभी तो निशाना तेज होगा देखो एंड डोंट मूव ओके जगह पे कम ऑन बस वेरी गुड एक्सलेंट बच गया सर अभी आपके निशाने लग गए ना अब मैं जा रहा हूँ प्लीज नहीं नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना है अरे अभी तो सेब बाकी है अब आप सबको इस सेब पर निशाना लगाना है ओके पकड़ो इसे और हिलना मत समझे ओके अरे अरे कहाँ भाग रहे हो अरे अभी तो अंगूर बाकी है बॉस Thank you.
कि ये पंख खुलेंगे? मानव तो डर मत, मुझे पूरा यकीन है ये पंख जरूर खुलेंगे। आग में गिरने से बच गए, लेकिन माना ये तो सिर्फ शुरुआत थी, पता नहीं आगे आगे क्या होगा। अरे मैं तो खुद बोलती फिर डर मत, पर अब तो खुद ही डरा रही है। सॉरी माना। वो पुराने महल जैसा क्या है वहाँ? चल चल के देखते। मैं बालू जरूर उसी में कैद होगा। अरे तो देख क्या रहा है, चल ना। हाँ।